Hayatın ne değilsen sen. Başarılı, başarılı. Ah, ben akide kaysana bana. Ben bahut kâmıdır sıfatı. Ben akide, tümhane gidin nabiy, meri koyu khususiyet ney. Lekin tümhata se kami, tüm ziyade tavajjuh ney deyete. Un pe akide. Dekh lo, ben ağa ki, aapko kya bana? İtina karam ho gaya, udar se hua na. Karta khuda, lekin vesile to wo bane na. हां तो यही है और क्या जो जाहिर है ऐसे जब उन पे अकीदा किया उनका दुरूद शुरू किया इससे सब कुछ हो गया बगैर बगैर वसाइल के हां ऐसे अजमी लोग जिंदा जो मुझे जानते हैं जी वल्ला सही बात तो इतना मैं फिक्र हूं यहां बैठता हूं तो डरता हूं कि मैं इनको क्या सुनाऊं खुद ही बातें निकलती हैं फिर हैरान हो जाता हूं कि ये कुछ कहते हैं तो काम हो जाता है मुझे यकीन नहीं होता थोड़ी सी दुआ करता हूं या कोई कहता हो क्या शेख साहब हदिया लो ये लो तो ये उनके उन पर अकीदा किया सारा कुछ हो गया तो मन क्या उनकी गुलामी की डिग्री में लगा गुलामी उनकी की रहमत कर दी चलो खैर तुम पर भी रहम करते हैं तो इतना रहम है इतना रहम है इतना रहम है तो ये हमारे तुम्हारी तरफ से कमी है तुमको रिज्क चाहिए रिज्क मिलेगा तुमको जो कुछ चाहिए मिलेगा वो तुम्हारे वसीला हर चीज में बन सकते हैं कोई और ऐसा नहीं हर चीज में वसीला बने तुम्हारे आखिरत के लिए वसीला बन सकते हैं तुम्हारी बीमारियों के लिए वसीला बन सकते हैं तुम्हारा रिज़्क़ कुशादा वसीला बन सकते हैं तुम्हें दुश्मन से निजात देने में वसीला बन सकते किस चीज में वो जबरदस्त नहीं है तुम्हारा वसीला नहीं बन सकते ये आलमीन को जो आया हम तेरा आलमीन कहा है इसका मतलब आलमीन की सारी हुकूमत आपके हाथ में है जी भाई जो ये शेर क्या अल्लाह दो जहाँ का खालिक वो उसके हुक्म से हर चीज़ के मालिक अल्लाह के हुक्म से तो ये जो मैं बातें करता हूँ लोगों को कहता हूँ तुम वजीफ़ों में लग जाओ नमाजों में लग जाओ जो आका की ज़बान पाक से निकल को अहमियत दो नहीं भी होता तो अपने को कोसो ऐसा नहीं होना चाहिए हमसे कमी है लापरवाही मत करो अगर रहमत की नज़र करेंगे तुम्हारे साथ मौजज़े होंगे तुम्हारी दुनिया भी बनेगी आखिर तुम ये ना देखो हालात ऐसे हैं हालात अपनी जगह हैं लेकिन खुदा का हुक्म और नबी का वसीला सब चीज़ को हटा देता है वरना मैं मेरा तजर्बा नहीं कहता हूँ तजर्बे से भी ज़्यादा मुझे पता है ना तो मैं इसीलिए कहूँ जिनको लगाता हूँ लग जाते हैं उनके भी काम बनने शुरू हो जाते हैं हाँ हो जाते हैं जी एक दो तीन जैसे नायाक हैं वो ना होने वाले थे उसका कीजा हो गया बस वो कहते अब नमाजें पांच वक्त की जमात से और ये वजीफे नहीं छोड़ूंगा अकीदा करो तुम अक्सर लोग कहते हमारी मुश्किल हैं मुसीबतें हैं सब कुछ हल हो जाएंगे तुम मेहनत करोगे ठीक है वो भी वसीला है लेकिन तुम्हारी मेहनत बाज़ाहिर होगी आका जी नजर करम करेंगे खुद ही हल होंगे बस बहाना आका जी हिकमत से काम करते हैं ऐसे नहीं करते हैं हिकमत से करते हैं शफा अल्लाह से आती उनके ज़रिए से आती है लेकिन उनकी तरफ से जैसे तुम दवा सबका वही दवा तुमको शफा नहीं देती वो दवा ला इलाज बीमारी को भी शफा देगी अब तुमको समझ नहीं आएगी इस दवा से शफा हुई है इससे तो नहीं होती थी इसके पसे इसके पीछे नबी करीम की निगाह करम है उन्होंने इस बात को छुपा दिया दवा इस बात में कि तुम ये दवाई की दवाई से नहीं हुआ उधर से हुआ ये ऐसी चीज़ें होती हैं ये हकीकत में आपको कहता हूँ ये अकीदा बहुत बड़ी ज़बरदस्त तुम्हारी ये हकूमत अल्लाह की दुनिया में बस और अल्लाह ने हकूमत ने अपना जौन सा है मैं इसमें क्या कह सकता हूँ अब नबी करीम को रखा हुआ रहमत लिल आलमीन तो सब कुछ होगा करके देखो होगा ना होगा देख लो होता है इसी लोग जुड़ते ज़्यादा ज़्यादा से नहीं जुड़ते हैं जिक्र अज़कार नमाज सिखाओ उनको पहले भी आती है लेकिन जब अकीदा यहाँ से बना के जाते हैं नमाज रोज़े तो वही होते हैं जिक्र ला इलाहा वो जब अकीदा उनका बनता है कहते हैं हमारे काम होने शुरू हो गए मैंने कोई नई ला इलाहा लानी है कोई नया जिक्र नहीं वही चीज़ें अल्फाज का फ़र्क होगा बस और क्या है हकीकत वही सारी लेकिन उसमें जो मेरी तरफ से इजाफा है मैं लोगों के अकीदे बनाता हूँ नबी करीम का कि तुम अकीदा मजबूत कर फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के देखो तुम उन पर अकीदा मजबूत करो फिर तुम दुरुस्ती पढ़ के देखो